में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी वत्स। एक नजर दिनभर की खबरों पर। बिहार में जमीन खरीद बिक्री में फर्जीवाड़ा रोकने की कवायद। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बावजूद टीका नहीं लगवा रहे हैं पंचायती राज कर्मी। अब तक 19,817 ने लिया डोज। बिहार में मुखिया और सरपंच समेत 6 पदों के उम्मीदवारों को मिलेंगे 99 चुनाव चिन्ह। पटना के कारोबारी को मोतिहारी में अपराधियों ने मारी गोली, खुद ड्राइव कर पहुंचे अस्पताल। मुजफ्फरपुर में लुटेरों का पीछा कर रही पुलिस वैन ने 6 को कुचला, लोगों ने की तोड़फोड़। गोपालगंज से अलकतरा लदे ट्रक का पीछा कर रहे थे बदमाश, नाकाम होने पर मालिक को मारी गोली। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्यव्यापी विशेष नामांकन अभियान प्रवेशोत्सव का होगा आगाज। बिहार के महात्मा गांधी सेतु का जीर्णोद्धार कार्य, देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण, मिला विश्वकर्मा पुरस्कार। कृमि नियंत्रण के लिए सरकार ने की खास तैयारी, 2.25 करोड़ स्कूली बच्चों को दी जाएगी दवा। वतन वापसी, 4 साल बाद बांग्लादेश की जेल से रिहा होकर घर लौटा बिहार का बेटा, परिजनों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। मुजफ्फरपुर की सेंट्रल जेल में मारपीट, छात्रा को जिंदा जलाने का आरोपी घायल। बिहार के सरकारी स्कूलों में विशेष नामांकन के लिए अभियान आज से। सहरसा से झंझारपुर होकर दरभंगा के लिए होली के बाद होगी यात्री ट्रेन सेवा शुरू। इंटरनेशनल विमेंस डे, गुलजारबाग और पटना जंक्शन हुआ महिला रेलकर्मी के हवाले, यात्रियों को दिया गया महिला सशक्तिकरण का संदेश। भागलपुर में दिन दहाड़े जमीन कारोबारी के मुंह में मारी गोली, मौके पर मौत, गर्भवती है पत्नी, बच्चे का मुंह देखने का भी नहीं हुआ नसीब। सैफई में शिवपाल को देखते ही अखिलेश ने छुए पैर, तेज प्रताप की बहन की रिंग सेरेमनी में एकजुट दिखा मुलायम कुनबा। इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर सीएम नीतीश ने महिलाओं को दी बधाई, कहा आत्मविश्वास के साथ बिहार की तरक्की में दे रही महत्वपूर्ण योगदान। बिहार की ग्राम सरकार में 7% महिलाएं, खाकीधारी महिलाओं का प्रतिशत देश में सबसे ज्यादा, यही टीचर मैडम भी सबसे ज्यादा। महिला दिवस पर मार खा रही महिला, खगड़िया में प्रिंसिपल पति ने क्लर्क पत्नी को बेरहमी से पीटा, डर के मारे रात भर दूसरे के घर में ली शरण। गोपालगंज में युवक को गोली मारी, हालत गंभीर, पंचायत चुनाव के लिए जनसंपर्क कर रहा था युवक, मुखिया पर गोली मारने का आरोप। काम का पैसा मांगा तो पीट पीट कर मार डाला, मोतिहारी में अपने पैसे मांगने घर गया था युवक, मालिक ने इतना मारा कि जान चली गई। गया से पटना के लिए सब गाड़ी चालू हुई, गया से पटना और पटना से गया एक्सप्रेस पैसेंजर मिलाकर 18 गाड़ी हुई चालू। धन्यवाद। ग्रामीण एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।